नमस्कार, धरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस के संदर्भ, प्रसंग, कठिन शब्दों के अर्थ, उनकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य करने जा रहे हैं। हम आपको यहाँ एक सूचना भी देना चाहते हैं कि हमने कक्षा 12वीं के कोर्स पर आधारित जो व्याकरण है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रस छंद और अलंकार हैं, उनके भी वीडियो बनाए हैं और आप उन्हें हमारे झरोखा चैनल पर खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस की व्याख्या। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह कविता भाषा के तौर पर बहुत ही सहज और सरल प्रतीत होती है, परंतु यह अपनी आंतरिकता में, अपने अर्थ विन्यास में उतनी ही यह रहस्यमय है। यह कुछ और भी कहना चाहती है जो इसके शब्दों से अभिव्यक्त होता है, उससे भी ज्यादा यह अपने मौन रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ कठिन शब्द जो आए हुए हैं, मैं उनके अर्थ आपको बताना चाहता हूं, तो उन्हें सुन लीजिए। इसमें बवंडर शब्द आएगा एक जगह पर, उसका तात्पर्य होता है गुबार, धूल का गुबार। सुख बुगाना का अर्थ है जागना। और पचखियां एक शब्द आएगा, उसका अर्थ होता है अंकुरण होना। पौधा जब अंकुरित होता है तो उसको पचखियां भी कहते हैं। निचाट याने पूरी तरह संपूर्ण। सही सांझ याने शाम की शुरुआत। और अर्ध कहते हैं पूजा के लिए दिया जाने वाला दूब, चावल, जल आदि। तो ये है, बाकी तो बहुत ही सरल शब्द हैं। संदर्भ में हम इस तरह लिखेंगे कि ये काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से अवतरित की गई हैं, जिसका शीर्षक है बनारस और इसके रचनाकार हैं नई कविता के प्रमुख कवि केदारनाथ सिंह। और प्रसंग है कि कवि ने बनारस शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत रूप में इस कविता में प्रस्तुत किया है। और अब शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए कवि किस तरह से कह रहा है। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या महुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। अब यहां ये समझना आवश्यक है एक बात को, तब हम कविता को समझ पाएंगे कि यह कविता कई नकारात्मक पहलुओं पर उंगली रखते हुए भी बनारस के वैभव और सम्मोहन को स्वीकार करती है। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक पहलुओं पर उंगली रखती है, परंतु बनारस का अपना एक सम्मोहन है, बनारस का अपना एक मिथ है, उसको यह कविता स्वीकार भी करती है। तो इस तरह इसके दो पक्ष हैं। बनारस की उपस्थिति दो रूपों में है, एक बनारस जिसका संबंध हमारी मिथकीय परंपरा से है और दूसरा वह जो वास्तविक एवं प्रत्यक्ष है, जो आज के जीवन में वहां मौजूद है। तो इन दोनों के द्वंद से बनारस का अस्तित्व बनता है और उसी अस्तित्व पर केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में अभिव्यक्ति की है। बनारस कविता में जो बिंब और चित्र आते हैं उनका संबंध बनारस के वास्तविक जीवन से है। दो इसी हिंदी कविता में जो एक समय सशक्त क्रांतिकारी परंपरा अर्थात कबीर की परंपरा है, उसका उद्गम भी बनारस से ही हुआ है।
ये ध्यान देने योग्य बात है। हालांकि बनारस का जो मिथक है उसमें इस परंपरा की घोर उपेक्षा हुई है। अब देखिए कवि की जो पंक्तियां हैं अभी मैंने जिनको पढ़ा था, अब उसके अर्थ को समझिए। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या महुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। इसका सरल अर्थ यही है कि जब वसंत ऋतु आती है तो धूल का गुबार उठने लगता है और अक्सर वह लहर तारा और महुआ डीह वाली जगहों की तरफ से बनारस शहर की ओर आया करता है। लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है और प्रतीकात्मक अर्थ यह है, लहर तारा वह जगह है जहां पर कबीर दास जी का जन्म हुआ था या उन्हें जहां पर अनाथ अवस्था में पड़े हुए किसी स्त्री ने पाया था और फिर उनका पालन पोषण किया था। तो लहर तारा प्रतीक है कबीर का और कबीर प्रतीक है पूरी तरह से एक क्रांतिकारी परिवर्तनवादी हिंदी कविता की चेतना का। तो ये बवंडर जो है वसंत के साथ जब फूल खिलते हैं, नया नई ऋतु आती है, चारों तरफ बहार होती है, वातावरण जब गमकने लगता है सुगंध से, तब एक धूल का गुबार भी उठता है और वो कबीर की परिवर्तनवादी कल्पनाओं से, उनकी विचारों से पैदा हुआ वह गुबार है और तब इस शहर की जीव किरकिराने लगती है। अर्थात कबीर पाखंड पर आक्रमण करते थे, कबीर दिखावे पर आक्रमण करते थे, कबीर धर्म के जो अवैज्ञानिक प्रयोग हैं उन पर उन्होंने चोट की है। तो ऐसे व्यक्ति को बनारस का या मिथुकीय परंपरा वाला जो जीवन है वह स्वीकार नहीं करता और धूल के मुंह में चले जाने से जैसी किरकिरी पैदा होती है, ऐसे ही किसी क्रांतिकारी कवि की जब आहट इस शहर में होती है तो उसे भी यह सहजता से पचता नहीं है, वह उसे सरलता के साथ ग्रहण नहीं कर पाता। यह तात्पर्य है इस कविता के इन पंक्तियों का। और अब आगे बढ़ते हैं। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां, आदमी दशा सुमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अब दूसरा बंद है, दूसरा पद है। कवि इस दूसरे अपने पैराग्राफ में कहता है कि जो है वह सुख बुगाता है। इस बनारस शहर में जो हम देखते हैं वह अपनी आंखें खोलता हुआ जागता हुआ दिखाई देता है। जो नहीं है, जो यहां उपस्थिति जिसकी हम महसूस नहीं कर रहे हैं, वह धीरे से मिट्टी के नीचे से जैसे पौधा अपने अंकुरण को खोलता है, बाहर निकालता है अपने पत्तों को, उसी तरह यहां पर जो नहीं है वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया है। आदमी दशा सुमेघ पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। लो, बनारस में गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेघ घाट जो है वहां पर जाते हैं, ये विख्यात घाट है वहां का, और उन्हें लगता है कि जो पत्थर कठोर था उसमें अब कुछ मुलायम कोमलता आ गई है। इनकी सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी है, नम है आंखें, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। यहां बहुत से भिक्षुक बैठे हुए हैं,
जिन्हें ये उम्मीद है कि अब वसंत के मौसम के आने में, ऋतु के आने में, अब नए नए जो भक्तगण हैं बनारस के प्रति, जिनके मन में श्रद्धा है, जो इसे तीर्थ स्थल मानते हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ आएंगे और हमारे कटोरे जो खाली पड़े हैं न जाने कितने दिनों से, इनमें उनके द्वारा दी गई भिक्षा के तौर पर कुछ अनाज, कुछ भोजन के अलग अलग व्यंजन और शायद कुछ चिल्लर मिलेगी। बंदरों को भी खाने के लिए मिलेगा, वे इसी पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। वे पर्यटकों पर जितने निर्भर बंदर हैं, उतने ही निर्भर भिखारी हैं। दोनों की आंखों में चमक है, नमी है, तरलता है, स्वागत है। और तीसरे बंद पर आते हैं, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर इसी तरह। रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे और अंधेरी गली में चमकती हुई गंगा की तरफ। कवि हमसे सवाल करता है, अपने सुनने वालों से, श्रोताओं से कहता है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? वसंत ऋतु को हम पेड़ पौधों, जंगलों, वनों और स्त्रियों, युवतियों के यौवन में देखते हैं, पर कवि कहता है कि नहीं, अपना ध्यान, अपनी निगाह, अपनी दृष्टि वहां से हटाइए और इस यथार्थ को भी देखिए, इस वास्तविकता को भी देखिए कि जो भिक्षुक हैं, जिनके कटोरे खाली पड़े हैं, जब उनमें रोटी का एक टुकड़ा गिरता है, जब उनमें एक चिल्लर का एक सिक्का गिरता है, तो उनकी आंखों में वही आनंद पैदा होता है जो आपकी आंखों में वसंत को देखकर होता है। तो इस तरह उनके कटोरों में वसंत ऋतु उतर रही है, ये इसमें बिंब है, प्रतीक है और एक अर्थन्यास है। और कवि कहते हैं, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। जैसे कटोरा भरता और खाली होता है, उसी तरह यह शहर खाली भी होता है, भरता भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती भी हैं, यहां से बहुत सारी चीजें जाती भी हैं, व्यक्ति भी जाते हैं, विचार भी जाते हैं, विचार आते भी हैं और भावनाएं, परंपराएं और बहुत सारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो यहाँ संपन्न भी होते हैं और एक दिन उनके समापन का समय भी आता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तो इस तरह कवि कहता है कि एक अनंत शव, एक ऐसी मुर्दा देह जिसकी जिसका कोई अंत नहीं है, उसे कंधों पर उठा करके अंधेरी गलियों से, अंधेरी गली में भी प्रतीकात्मकता है कि जहां पर अभाव है, कमियां हैं, जिनका जीवन बहुत कष्टों, तकलीफों में बीत रहा है, ऐसे जगहों पर रहने वाले लोगों के जीवन मुर्दा हो चुके हैं, मृत हो गए हैं और वहां से, संसार से विदा ले चुके लोगों को कंधों पर लाद कर हर दिन बिना किसी व्यवधान के, कोई इसमें बाधा नहीं आती, ये रोज का क्रम है कि यहां से शव गंगा की ओर जाते हैं। गलियां अंधेरी हैं, नदी उजली है, साफ है, चमकदार है, ये विरोधाभास कवि ने यहां हमें दिखाया है। और अब अगले छंद पर, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। इसमें धीरे धीरे शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है और ये धीरे धीरे होना कवि हमको एहसास करा रहा है बार बार इस शब्द युग्म के प्रयोग से कि हाँ, सब कुछ बहुत आहिस्ता से चल रहा है, उसमें तीव्रता नहीं है,
उसमें परिवर्तन की, विप्लव की कोई आकांक्षा दिखाई नहीं देती, सब कुछ आराम से इत्मीनान से होता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। ये जो कुछ धीमापन है, जिसमें एक तीव्रता नहीं है, एक गति नहीं है, व्यापकता नहीं है, उन्मुक्तता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, इत्मीनान है, कवि कहता है ऐसे कई तरह के धीमेपन की एक सामूहिक लय है। बहुत सारी धीमी चीजें एक साथ हो करके अपनी एक लय बनाकर इस शहर का चरित्र निर्मित करती हैं। इस तरह भी कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी। कवि कहते हैं कि हर चीजें इतनी इत्मीनान में है कि यहां कुछ हिलता डुलता नहीं, कुछ गिरता नहीं, अर्थात यहां कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देता। जो होता है वो बहुत ही आराम से, धीमी गति से होता है। कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। बनारस में एक स्थिरता है, विचारों की स्थिरता है, भावनाओं की स्थिरता है। कभी जो है उसे कुरेद रहा है कि ये शहर बदलाव के लिए, विप्लव के लिए, परिवर्तन के लिए कोई व्याकुलता नहीं दिखाता। यहां सब कुछ पहले जैसा है, वैसा ही है। जो कल था वो आज है, जो सैकड़ों साल पहले था वो आज भी है। जैसे जो चीज जहां थी वही है, जहां अकबर गंगा नदी थी वहीं बह रही है, जहां नाव बंधी थी वहीं बंधी है, और तुलसीदास की खड़ाऊं जिस जगह रखी गई थी आज भी वहीं पर रखी हुई है। ये कवि का एक तरह से निराशा को अभिव्यक्त करने का प्रयास है कि यहां बदलाव के प्रति, नव्यता के प्रति, नवीनता के प्रति कोई उत्फुल्लता दिखाई नहीं देती। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है। अब देखिए कवि कहता है कि अगर आप बनारस को ठीक से जानना चाहते हो तो किसी दिन शाम होते ही, जैसे ही शाम का समय हो, बनारस शहर के अंदर प्रवेश कीजिए और तब आप पाएंगे कि इसमें जो है वो आधा पानी में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। कवि कहता है कि बनारस की संपूर्णता बटी हुई है, कहीं शंख बज रहे हैं यानी धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, कहीं मंत्र बांचे जा रहे हैं, कहीं फूल और पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं शव निकल रहे हैं, शव यात्राएं आ रही हैं और उसी गंगा घाट पर उनको अग्नि दिया जाना है, और कहीं पर कुछ लोग इन सब चीजों से बेखबर होकर के सोए हुए हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं बनारस में क्या घट रहा है। कहीं शंख बज रहे हैं और कहीं पूजा पाठ हो रहा है। तो बनारस का जो स्वरूप है वो बहुत सारी चीजों में विभाजित है, बटा हुआ है, समग्र और संपूर्णता में एक स्थान पर नहीं है, उसके बहुत से रूप हैं। और कवि कहता है अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। फिर जहां से कविता शुरू हुई थी, कवि ने उसी ओर संकेत किया है, हमें फिर से वहां वो ले जा रहा है। कहता है अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे
कि यहां पर ये बनारस शहर आधा है और आधा नहीं है। आधा क्या है और क्या नहीं है? आधा है कि यहां पर तुलसीदास की परंपरा तो है, जो सामंजस्य पैदा करने वाले व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी व्यक्ति थे, कवि थे, संत थे, और मर्यादाओं का, परंपराओं का पालन करते थे। और दूसरा जो आधा बनारस यहां नहीं है वो कौन सा है? वो है कबीर का बनारस, कि जहां तोड़फोड़ थी, जहां हमला था, जहां आक्रमण था, जहां पाखंड का विरोध था, जहां क्रांतिकारिता थी, जहां परिवर्तन और विप्लव के लिए एक बेचैनी है, उनके पूरी कविता में, तो वो आधा यहां दिखाई नहीं देता, वो बेचैनी दिखाई नहीं देती। परंपराओं के प्रति जो पूज्य भाव है वो तो दिखाई देता है। तो आधा बनारस है और आधा बनारस गायब है। बिना किसी स्तंभ के जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के, उठे हुए हाथों के स्तंभ। अब कवि कहता है कि जो यहां नहीं है उसे भी कुछ स्तंभों ने थाम रखा है। वो स्तंभ कौन से हैं? राख और रोशनी के। राख कौन सी? वहीं घाट के किनारे जो है शवों का दहन हो रहा है, वहां राख के ढेर लगे, सैकड़ों हजारों की तादाद में बनारस में शवों का दहन कर्म होता है। लोग मरने के लिए बनारस जाते हैं कि वहां जाने से स्वर्ग मिलेगा, तो वृद्धावस्था का बहुत सा समय लोग बनारस में बिताते हैं। बनारस के रहने वाले भी बनारस में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बनारस के बाहर के लोग भी मृत्यु पाने बनारस जाते हैं। तो कवि कहता है राख का स्तंभ रोशनी का स्तंभ। रोशनी जो है उसी आग से पैदा होने वाली रोशनी, और मंदिरों में आरती से, दियों से, दीपकों से उत्पन्न होने वाली रोशनी, इनके स्तंभों से उसे थामा गया है जो यहां नहीं है। आग के और पानी के स्तंभ से, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ से वो थमी हुई है चीजें जो कि यहां पर नहीं है, जो अनुपस्थित है। उस भाव का, उस विचार का भी यहां पर कहीं ना कहीं एक हमको उसका आभास होता है, उसकी उपस्थिति का आभास होता है। और फिर कविता का आखिरी बंद कहता है किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। फिर यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि ये बनारस शहर एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बेखबर है, उसके बारे में जानता तक नहीं। हमारे दो टांगे हैं और हमें खड़े होने के लिए दोनों टांगों की जरूरत पड़ती है, पर कल्पना कीजिए कि आप अपने एक पैर पर खड़े हों और दूसरा पैर आपके पास है, इसका आपको आभास भी ना हो, तो वो स्थिति कैसी होगी? बनारस की स्थिति ऐसी है कि एक पैर पर खड़ा है आस्था के, मर्यादाओं के, परंपराओं के, मिथकों के, पर इसका दूसरा पैर जो कबीर के विचारों से तैयार हुआ है, जो उनके क्रांतिकारी परिवर्तनकारी विचारों की भी बनारस के साथ एक जुड़ाव है, वह उससे बेखबर है। उसका कहीं एहसास नहीं है, आभास नहीं है कि ये दो धाराएं इसी बनारस ने पैदा की हैं और एक धारा दूसरी धारा से बेखबर है। तो ये थी केदारनाथ सिंह की कविता बनारस, और हमने उसका संदर्भ, प्रसंग, उसके कठिन शब्दों का अर्थ, उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले एपिसोड में हम इसी कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।